यूपी में एक दलित युवक को झूठे केस में फंसाने वाले पुलिस वालों पर कार्रवाई हुई है। कानपुर के पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीणा ने अपने महकमे पर बड़ी कार्रवाई की है। मंगलवार यानी 22 मार्च को उन्होंने एक दलित युवक को झूठे केस में फंसाने के मामले में 14 आरोपी पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया और उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल जांच के आदेश भी दिए। इस मामले में कानपुर के बर्रा थाने के SHO दीनानाथ मिश्रा और गोविंद नगर के ACP विकास पांडे की भूमिका की भी जाँच की जाएगी। जानकारी के मुताबिक कानपुर की यादव मार्केट चौकी क्षेत्र के रहने वाले महादेव ने उमराव नाम के व्यक्ति के साथ 35 लाख रुपए में अपने मकान की डील तय की थी। आरोप है कि उमराव ने 10 लाख रुपए देकर मकान की रजिस्ट्री करवा ली, लेकिन महादेव के बार बार कहने के बाद भी उन्हें पूरा पैसा नहीं दिया। इस वजह से महादेव ने अपने मकान पर उमराव को कब्जा नहीं दिया। हाल ही में महादेव ने आरोप लगाया कि 15 जनवरी 2022 को उमराव और उसके कुछ साथी छत के रास्ते उनके घर में घुसे और पूरे परिवार के साथ मारपीट की। इस दौरान महादेव की बेटी का सिर भी फट गया था। ये लोग महादेव के परिवार वालों के मोबाइल भी लूट ले गए थे। इस वारदात के बाद महादेव ने बर्रा थाने में उमराव और उसके साथियों पर लूट और SC ST समेत कई अन्य धाराओं में केस दर्ज करवाया, लेकिन महादेव के मुताबिक FIR के बाद भी पुलिस ने उमराव पर कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि 23 फरवरी को पुलिस ने उमराव को जबरदस्ती उनके घर पर कब्जा दिलवा दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मामले पर जब बवाल हुआ तो इसकी जांच कानपुर के ADCP साउथ मनीष सोनकर को सौंपी गई। मनीष सोनकर की जांच में ये सामने आया कि महादेव के मकान पर उमराव का कब्जा कराने में ACP विकास पांडे, बर्रा थानेदार दीनानाथ मिश्रा और यादव मार्केट चौकी के इंचार्ज आशीष कुमार मिश्रा की बराबर की संलिप्तता है। मनीष सोनकर की जांच रिपोर्ट के मुताबिक महादेव ने SC ST एक्ट की धाराओं में केस दर्ज करवाया था, इसलिए बर्रा के थानेदार दीनानाथ मिश्रा को इसकी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने आरोपियों का साथ देने के चलते ऐसा कुछ नहीं किया और मामले को थाना स्तर पर ही दबा दिया। ADCP मनीष सोनकर की जांच में ये भी सामने आया कि ACP विकास पांडे ने घटना के वीडियो मौजूद होने के बाद भी आरोपी उमराव के ऊपर से लूट की धारा को हटा लिया था। सोनकर के मुताबिक ACP पांडे और बर्रा थाने के SHO के संरक्षण में ही उमराव ने महादेव के मकान पर कब्जा किया, जिससे उसका परिवार सड़क पर आ गया। सोनकर की रिपोर्ट के मुताबिक इस सब के बाद भी पुलिस ने संवेदनहीनता दिखाते हुए महादेव के खिलाफ ही चोरी का झूठा मुकदमा दर्ज कर लिया। अब कानपुर के पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीणा ने अपने महकमे पर बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे दलितों को झूठे मामलों में फंसाकर प्रताड़ित किया जाता है और थानों में पुलिस वाले ही दलितों के साथ कैसा सलूक करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ बीक।